हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज रेसिपीज। आज मैंने हमारे यहाँ पे जो आर्गोस का शॉप है तो मुझे वहाँ पे अच्छे से डील मिली पैन की, फ्राइंग पैन जो होते हैं उसकी। तो ये मैंने 3 पैन ऑर्डर किए हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी कितनी प्राइस है और ये कैसे दिखते हैं। तो इसका नॉनस्टिक है वो बहुत ही अच्छे से रहता है, जैसे कि 2-3 साल तक तो ये पैन आराम से रहते हैं अगर आप उनको अच्छे से उसकी केयर ले लोगे, अच्छे से क्लीन रखोगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे रखना है, उसकी केयर कैसे लेनी है। तो ये तिफल करके ब्रांड आता है, तो ये तिफल का जो साइन है, ये टी करके उसका साइन रहता है, तो समझ में आता है कि ये तिफल का ब्रांड है। ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। इसके पैन जो होते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मैंने कितने में लिए। तो इसके अंदर ये लीफलेट था, तो ये बहुत सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे करना है, कैसे क्लीन रखना है, सब रहता है इसके अंदर। तो ये मैंने 3 पैन ऑर्डर किए हैं। एक है वो 24 सेंटीमीटर का है, दूसरा है वो 22 सेंटीमीटर का है, और जो तीसरा रहता है, तो अगर आपको तड़का वगैरह देना है, आपको एक बनाना है, ऑमलेट बनाना है, तो आप उसके अंदर बना सकते हो। तो ये दो जो पैन है वो गुड साइज़ है, और तीसरा जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, जैसे कि अंडे के लिए वगैरह बहुत ही अच्छे से बनते हैं, उसमें आप तड़का लगा सकते हो। कोई भी अगर छोटी चीज़ फ्राई करनी है फटाक से तो आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये गुड साइज़ पैन रहता है। तो अभी मैंने ये 2 साल के बाद ऑर्डर किए, क्योंकि मेरे पुराने वाले हैं, मैंने 2 साल तक यूज़ किए और फिर वो अच्छे से थे, इसलिए मुझे अभी लगा कि अभी मुझे और लेना चाहिए, इसलिए फटाक से मुझे डील दिखी ऑनलाइन, तो मैंने डिलीवरी घर पे ही मंगाई। तो मैंने डिलीवरी के लिए 3 पाउंड दिए, 3.99 पेंस, ऐसे 3.99 पेंस मैंने दिए। तो ऐसे ये 3 पैन आते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करने हैं पैन, तो उसका कोटिंग ख़राब ना हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे रखना है। तो पहले इसको क्लीन करके लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी गैस के ऊपर मैं ये पैन रख दूंगी, उसके अंदर पानी भरना है, पैन में पूरा पैन भर के पानी रखेंगे हम लोग, और फिर वो पानी रहता है हम लोग को बॉईल करके लेना है। क्योंकि आप कौन से भी अगर नए बर्तन लाते हो घर में तो उसको घीस घीस के रगड़ना नहीं है, उसको सोप में भिगो के नहीं रखना है। तो उसके अंदर पानी डाल के आप पहले वो गर्म करके ले लो, तो जो उसके अंदर जो कुछ कचरा रहेगा, कुछ जर्म्स रहेंगे, कुछ भी रहेगा, तो वो निकल जाएंगे। तो उसको अच्छे से बॉईल करके ले लो, 10 से 15 मिनट तक उसको बॉईल करना है। अभी देखिए मैंने बॉईल करके लिए है, तो फिर ये जो पानी रहता है वो फेंक देना है, फेंकना है वो पानी। तो मैं अभी ऐसे ही 3 पैन जो है वो मैंने अभी अच्छे से क्लीन करके लिए है। अभी हम लोग ये छोटे पैन के ऊपर एक रेसिपी करते हैं, हाफ फ्राई बनाते हैं अंडे का। तो अभी ये मेरे 2 पैन हैं, वो भी रेडी है अभी यूज़ करने के लिए। तो ये छोटा वाला पैन है, इसके ऊपर हम लोग अंडा बनाते हैं। तो ये पैन की स्पेशलिटी है कि अगर आपको कुछ फ्राई करना है तो अगर आप ऑयल नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये उसका नॉनस्टिक जो रहता है बहुत पावरफुल रहता है, अच्छे से रहता है वो। देखिए मैंने अभी एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं डाला है और मेरा अभी अंडा आराम से फ्राई हो जाएगा। तो ये पैन जो रहते हैं उनको मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम रखोगे तो ये पैन जल जाते हैं नीचे से, इसलिए उनको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप जो भी पकाओगे ये पैन के अंदर, ऐसे उसको क्लीन करना है, उसको डायरेक्ट नल के नीचे नहीं लेके जाना है, टैप वाटर के नीचे उसको पहले अच्छे से ऐसे क्लीन करो, फिर ठंडा हो जाने के बाद, नहीं तो अगर आपको जमता है तो आप ऐसे ही फिर सोप से क्लीन करो। तो ये मेरे पास स्पंज है, उसके मैंने
सॉफ्ट वाला स्पंज है वो लिया है, तो अभी मैं ये क्लीन करके लेती हूँ, धो के लेती हूँ पानी के नीचे से। देखिए ये बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इनको कैसे रखना है, इनकी केयर कैसे लेनी है। तो ये मेरे पास पैन है अभी, तो मैंने पुराना वाला पैन है उसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रखा है, फिर ये मेरा नया वाला पैन है उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर रखूँगी। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप सॉफ्ट वाला कपड़ा रखिए, फिर मैं ये तीसरा वाला पैन रखूँगी। और देखिए आराम से हम लोग अभी ये पैन किधर भी रख सकते हैं, जगह भी बहुत कम लगती है। टिश्यू पेपर से क्या होता है कि नीचे जो है वो रैश नहीं आते, अच्छे से रहते हैं वो। तो मेरे पास और भी कुछ बर्तन है, मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं नॉनस्टिक हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम लोग कभी डोसा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं जिनको नॉनस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी हम लोग नॉनस्टिक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप लोग स्टील ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो मेरे पास ये और एक पैन का सेट है, तो मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये भी सेट लिया था। ये नॉनस्टिक वाला बिरयानी का पैन है, वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो जो तिफल के पैन है वो मैंने 21 pounds में 3 लिए हैं, मुझे बहुत ही सस्ते मिले वो, नहीं तो वो 20 pounds में 2 पैन आते थे, लेकिन मैंने वो 21 pounds में 3 पैन लिए हैं। अभी मुझे 2 साल तक कुछ टेंशन नहीं है, तो बहुत ही सस्ते मिले मुझे वो। और ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड है डेविड करके, तो उनके जो स्टील के बर्तन आते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, नीचे से जाड़े रहते हैं वो, पतले वाले नहीं रहते हैं। देखिए ये भी मेरे पास सेट है, वो मैंने ये 20 pounds का एक पैन आता है, तो ऑफ़र में मुझे ये 20 pounds में मिला था, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो ऐसे मेरे पास कुछ स्टील के भी ज़्यादा बर्तन है जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा के लिए, एवरी डे। तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील यूज़ कीजिए, नॉनस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा है बॉडी के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अगर आपके घर में नॉनस्टिक है तो आप ऐसे ही यूज़ करें, ऐसे ही उसकी केयर लें, सो ज़्यादा से ज़्यादा वो टिकेंगे। So thank you so much for watching. Bye bye. Take care.